वेलकम टू माय चैनल कंटेंट देसी। मैं हूं अंकिता एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम Amazon फुटवेयर हॉल। सो आई हैव ऑर्डर सो मेनी फुटवेयर फॉर यू गाइस। लाइक यू नो मैं यूजुअली ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूं, आई बाय द फुटवेयर बिकॉज आई एम क्वाइट स्केर्ड बिकॉज यू नो मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्ट चाहिए होता है एंड जब तक आई डू ट्राई इट आई डोंट रियली बाय इट। बट आई थॉट कि चलिए ट्राई करते हैं बिकॉज अभी कोरोना एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो आई एम नॉट रियली गोइंग आउट टू बाय द थिंग्स। सो आई थॉट कि चलिए इस बार फुटवेयर की शॉपिंग की जाए एंड आई विल शेयर इट विद यू गाइज। एंड बिफोर वी बिगिन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मिल जाएगा एंड उसके साथ आपको मिलेगा माई हॉल स्टोर का लिंक एंड व्हेन यू नेविगेट टू दैट पेज आपको आज के सारे प्रोडक्ट्स एक ही पेज में मिल जाएंगे विद देयर इमेजेस एंड उनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अमेजोन के वेबसाइट पे एंड वहां पे आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं अमेजोन पे वैसे ही आप शॉपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये हॉल एंड द वेरी फर्स्ट फुटवेयर आई हैव इज दीज व्हाइट सैंडल गाइस। सो ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आई वोर दीज वर रियली गुड, लाइक आई लिटरली लाइक्ड हाउ दे लुक एंड ये कुछ इस तरह से ब्लॉक हील्स में आती है। सो जस्ट सी हियर द काइंड ऑफ हील्स यू गेट एंड दिस काइंड ऑफ यू नो बेल्ट यू गेट हियर। पीछे से ये पैक्ड है सो नॉट आई मीन मैंने इसका 38 मैंने इसका 39 ऑर्डर किया था एंड आई गॉट 40 एंड दिस इज फाइन टू मी। पीछे से थोड़ी सी मुझे अनकंफर्टेबल हो रही थी चलने में बट ओवरऑल आई रियली लाइक दीज, काफ़ी स्टाइलिश है एंड यू नो बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बोलूँगी आप बहुत ज़्यादा चल सकते हो, डेफिनेटली हील्स में बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते हम बट यस फॉर फ्यू आवर्स लाइक 1 or 2 hours दीज आर रियली गुड रियली स्टाइलिश सो यू कैन रियली गो फॉर इट। काफ़ी अफोर्डेबल भी है सो नीचे मैं आपको मेंशन कर दूंगी किस प्राइस पॉइंट पर मैंने इसे बाय किया है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दीज गाइज रेड कलर के एंड इसमें आई थिंक ऑल भी कलर्स अवेलेबल है सो यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे ये अवेलेबल है एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है ये पहनने में एंड यू नो क्वाइट स्टाइलिश दीज आर, लाइक अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हो या फिर आप वन पीस पहन रहे हो दीज आर क्वाइट गुड। मुझे इसका ये जो सोल है ये भी काफ़ी अच्छा लगा, आई मीन यू नो काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, दो काफ़ी लेस प्राइस पे है एंड इसका ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना ये भी कंफर्टेबल है, लाइक यूजुअली ये हमें छुपता है लाइक बैक में हमें थोड़ा छुपता है बट ये वैसा वाला फैब्रिक नहीं है, ये वेलवेट है सो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस। 39 मैंने ऑर्डर किया तो 39 रिसीव हुआ है एंड परफेक्ट फॉर माई साइज। ओके सो द नेक्स्ट फुटवेयर गाइज दीज काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी है एंड देखने में तो बहुत अच्छी लगती है ये एंड इसमें ना आपको कुछ इस तरह से हील्स में भी इस तरह से ग्लिटर्स मिलेंगे एंड जस्ट सी इट फ्रॉम द फ्रंट। सो देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इनफैक्ट पहनने में भी अच्छी लगती है बट व्हेन आई वोर इट फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट 2 मिनट्स के लिए पहना एंड आई केम टू नो कि आई कैन नॉट रियली वियर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट इवन फॉर एन आवर बिकॉज बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। इनफैक्ट इस वाले पोर्शन में मुझे यू नो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हुआ एंड आई न्यू कि ये मुझे डेफिनेटली काटने वाली है सो आई डोंट रियली रिकमेंड दीज टू यू गाइज। ब्लॉक हील्स है सो हील्स आर नॉट द प्रॉब्लम बट येस इसका इनफैक्ट ये वाला जो बैंड है ना दिस इज ऑल्सो क्वाइट इरिटेटिंग सो आई डू नॉट रियली रिकमेंड दीज टू यू गाइज। बाकी अगर आपकी चॉइस है मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कम्फर्ट, मैं नहीं पहन सकती अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो सो दिस इज अ नो नो फॉर मी गाइज। बट अगर आप कैरी कर सकते हो लाइक मेरे पैर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्कम्फर्ट होता है बट इफ़ यू लाइक दीज दिस इज हाउ दीज लुक्स, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हो। ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दीज बाय मेट्रोस, काफ़ी सिंपल से हैं, खैर फ्लैट्स है तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश तो नहीं है ये बट दीज आर सुपर सुपर कम्फर्टेबल। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जैसे मैं पहन के लॉन्ग आवर्स के लिए वॉक कर सकूँ एंड दीज आर लिटरली लिटरली गुड। इसका एक्चुअली सोल जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक अगर आप काफ़ी टाइम तक इसे पहनोगे तो भी आपके पैरों में डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला है एंड इसका ये जो डिज़ाइन है ना ये भी काफ़ी सॉफ्ट है तो कहीं से भी कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, दैट्स वाई आई लाइक दीज। एंड मेट्रो मैंने पहले भी ऑर्डर पहले भी मैंने ट्राई किया है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई रियली लाइक इट्स सोल, मुझे कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है। येस बहुत ज़्यादा लॉन्ग अगर आप चलोगे बहुत ज़्यादा देर तक चलोगे तो डेफिनेटली किसी भी फुटवेयर कुछ भी पहन लो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होता है बट दीज आर रियली गुड रियली कम्फर्टेबल फॉर लॉन्ग आवर्स।
या सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दीज. थोड़ा सा हाई प्राइस पे है बट डेफिनेटली इट्स बेटर टू गो फॉर अ हायर रेंज प्रोडक्ट रेदर देन बाइंग सो मेनी लोअर रेंज प्रोडक्ट. सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस पर्टिकुलर सेट. ओके सो आई हैव नेक्स्ट इज दीज. सो ये सेट में आए हैं, एक ही सेट में ये दोनों स्लीपर है एंड ये वाला तो थोड़ा यूज कर भी लिया, आप देखो कितना गंदा हो चुका है. सो ये सेट में आए हैं, ये हमने एक्चुअली यू नो काफी रफ यूज के लिए परचेस किए हैं. सो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसे घर पे भी यूज कर सकते हो, बाहर भी अगर कैजुअली थोड़ा बहुत आपको घूमना है तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो. बहुत कंफर्टेबल है एंड अफोर्डेबल भी है. सो या रियली आई रियली लाइक देम एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज गाइस. नेक्स्ट आई हैव दीज गाइस येलो कलर. सो मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के हील्स कवर किए हैं इस पर्टिकुलर हॉल में. दो मैंने ये वाला येलो ही ऑर्डर किया था बट ये वाला सेट नहीं ऑर्डर किया था, मैंने फ्लैट्स ऑर्डर किए थे. इंस्टेड ऑफ दैट आई गॉट द हील्स. सो ये कुछ इस तरह के हील्स हैं एंड दीज आर नॉट रियली कम्फर्टेबल टू मी. सो आई विल नॉट रियली रिकमेंड टू यू गाइस. सो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसका एंड अगेन ये ब्लॉक हील्स में एंड आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड. दो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है बट still not so comfortable, so a no-no for me. Okay guys, so next I have these super super affordable flats. So पहनने में तो ये काफी stylish and काफी ज़्यादा cute लगते हैं and the color is also very good. आप देखो इस तरह से इसमें जो bow दिया हुआ है ना, बहुत ही cute, बहुत ही girlish सा है, बहुत ही affordable price पे है तो मैं बहुत ज़्यादा expect नहीं करती हूँ इनसे. But yes, थोड़ा सा discomfort है चलने में because ये जो है ना ये material थोड़ा सा हार्ड है, दिस पर्टिकुलर मटेरियल, तो ये मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है. बाकी सोल इज गुड, लाइक आई वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दिस गुड सोल एट दिस प्राइस. सो यस, अगर आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मैनेज कर सकते हो तो आप इसे बाय कर सकते हो बट एट दिस प्राइस आई मस्ट से दैट दिस इज अ रियली रियली गुड सेट एंड इस पर बहुत सारे कलर्स भी आते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं एक बार. ये मैंने 39 ऑर्डर किया था, 39 ही रिसीव हुआ है. तो या आप आपके साइज के अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर करोगे तो डेफिनेटली आपको आपके पैर के साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा. इट्स जस्ट कम्फर्ट यू हैव टू सी. एंड नेक्स्ट आई हैव इज दीज गाइज. सो या इट लुक्स लाइक दिस एंड पहनने के बाद अगैन ये बहुत अच्छी लगती है, कुछ इस तरह से ब्लॉक हील्स हैं. सो इफ यू गाइज हैव नोटिस, मैंने एक भी पेंसिल हील ऑर्डर नहीं किया है बिकॉज यू नो आई टोटली गेव अप ऑन पेंसिल हील्स. मैंने बहुत ज़्यादा पहने हैं व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, दैट टाइम आई यूज्ड टू वियर देम सो मच एंड आई टोटली स्पॉइल्ड माय नीज दैट टाइम एंड आफ्टर दैट आई टोटली स्टॉप्ड इट बिकॉज अगर कोई चीज़ हेल्थ को इफेक्ट करती है तो वी शुड नॉट यूज इट, राइट? डजेंट मैटर हाउ स्टाइलिश और हाउ गुड इट लुक्स. सो मैंने एक भी हाई हील लाइक पेंसिल हील ऑर्डर नहीं की है. आई वियर ब्लॉक हील्स, आई वियर मोस्टली आई वियर फ्लैट्स. I prefer flats mostly when you know I want to walk a lot. Again, मुझे यहाँ से थोड़ा सा discomfort हो रहा था, so not really impressed with the comfort level. But yeah, look wise it is good. You can definitely carry with any Indian outfit or Western outfit. सब में जाएगा ये. But comfort wise again not really happy. Okay, so next I have is these cute sandals. These are flats guys and I am in love with these. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, just look at the bow and इसमें भी बहुत सारे colors available है. कुछ इस तरह से band आपको इसमें मिलेगा and इसका जो sole है, just look at the sole, काफ़ी अच्छा sole है इसका and ये बहुत ज़्यादा affordable range में है and I'm literally impressed with this. Look wise it's super cute, फ्लैट है, कंफर्टेबल है, लाइक मुझे कहीं से भी ये चुभ नहीं रहा है तो कंफर्टेबल भी है. सो आई लिटरली लाइक दिस एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. 39 मैंने ऑर्डर किया था, 39 ही रिसीव हुआ है एंड मुझे ये पैरों पे यू नो काफी कंफर्टेबल लग रहा है. ट्रू टू द साइज है तो या आप जो साइज ऑर्डर करोगे, आपको अगर 39 लगता है तो आप 39 ऑर्डर करो, आपको वो आ जाएगा. आई हैव दीज सैंडल्स बाय कैटवॉक. सो ये अराउंड 600 के प्राइस पॉइंट में मुझे मिला है. इसका एमआरपी तो आई थिंक 1000 के ऊपर है गाइस, बट यू नो मैंने 39 ऑर्डर किया था, मुझे रिसीव हुआ 38. आई लिटरली लाइक द कैटवॉक अ लॉट. इसका जो सोल है काफी अच्छा है, लाइक द डिजाइन इज ऑल्सो गुड. सो मुझे फ्लैट्स अगेन चाहिए थे बिकॉज आई रियली प्रिफर देम, आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. बट 38 मैंने ऑर्डर किया था, मुझे रिसीव हुआ है 39. सो डेफिनेटली आई नीड टू एक्सचेंज इट.
सो या सोल वाइज दिस इज क्वाइट गुड. कम्फर्ट वाइज इट इज क्वाइट गुड. मैंने कैटवॉक काफी ज्यादा यूज किया है. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू यू नो कम्फर्ट एंड द स्टाइल बोल्ड. एंड आई रिमेम्बर अराउंड 4-5 ईयर्स से मैं कैटवॉक के कुछ सैंडल्स अब यूज कर रही हूँ एंड अभी तक वो खराब नहीं है. अभी तक वैसे के वैसे ही हैं. सो मुझे काफी अच्छे लगते हैं. ये थोड़े से प्राइजी होते हैं बट काफी ज्यादा चलते हैं. पैरों में भी कंफर्टेबल होते हैं एंड स्टाइलिश भी मिल जाते हैं. सो या आई रियली लाइक कैटवॉक अ लॉट. एंड नेक्स्ट फुटवेयर आई हैव दीज प्रिटी कलर गाइस अगेन ऑन ब्लॉक हील्स. एंड कलर तो बहुत ज्यादा प्यारा है गाइस. एंड इसका प्राइस है अराउंड 600 का. एंड यू नो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है. आई अगेन वॉर इट फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स एंड actually not at all comfortable. So I do not really recommend these to you guys. Instead of these, I think I will prefer a catwalk, like a flat catwalk. Itne price mein online mil jati hai. Offline to difficult hota hai. Sirf sale mein milti hai. But online itne price mein mil jati hai catwalk. So I think I would prefer that instead of these pretty heels. Comfortable bhi nahi hai and pricey bhi hai. So definitely a no-no from me guys. And guys, this was all about today's video. आपको video थोड़ा भी useful लगा हो तो give it a big thumbs up, share the video with your family and friends. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.